हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर ही है और गाड़ी में बैठे हैं, तो इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं, बट नहीं, घर पे ही है, घर पे गाड़ी खड़ी है। बट हम लोग आज बैठे हैं गाड़ी में और ये कर रहे थे गाड़ी का काम, तो इस वजह से इनको बोर हो रहा था, तो हम लोगों को बोला कि आप भी गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि काम करने में भी इनको इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पर अदवी का खाना भी चल रहा है, हमारा भी खाना हो चुका है, अभी अभी हम लोगों ने खाना खाया है और यहाँ पर आके बैठ गए। इन लोगों को मतलब इनका भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाता। अधिक और माही भी, माही जस्ट आई है स्कूल से और माही भी आके बैठ गई हमारे साथ। भाई थोड़ा कॉलिन लाना उसमें से, किचन में दिखा दिखा के खा रहे हो। आज मूड अच्छा है ना अधिक का? तो कल नहीं था, मसल को जाने दो मुझे। एक मिनट, दीदी का मूड अच्छा नहीं है और अधिक का अच्छा है? अधिक खाना खा रहा है यहाँ पे, अधिक की छोटी सी सीट। हाँ दिखाओ अद्विक की छोटी सीट। और ये कर रहे हैं गाड़ी का कुछ काम। लाइट घुमाने का। ओह माय गॉड, मुझे तो आ रही है नींद, पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर ही बैठो, यहाँ पर ही बैठो। तो थोड़ी देर हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर बैठूंगी मैं, बट मुझे ना नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तो आज है मंडे, आज फिर से बताना भूल गए। आज मंडे ही है ना? मंडे है। हाँ, आज आदिक तो स्कूल गया था। आदिक तो स्कूल गया था। हाँ, सुबह सुबह। सुबह सुबह। ओ। इधर देखो। क्या खा रहे हो बताओ पहले? क्या खा रहे हो? ये क्या है? बी है। बी है नहीं, नमकीन है। नमकीन है। नमकीन है। नमकीन खाया मैं। अर्जुन नमकीन है। अरे बाप रे, ये देखो अर्जुन नमकीन है। अर्जुन नमकीन है, ये देखो अर्जुन नमकीन है। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद सो जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। ओ माय गॉड, आजकल मुझे व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो पता नहीं नींद क्यों आ जाती है, और यहाँ पर अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ये अच्छा है यार, घर के अंदर बाहर भी निकाल सकते मुंह। और ये भी इन्होंने ना कुछ अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से गाड़ी के लिए मंगाया था, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। बाप रे बाप, इतने सारे पार्सल आ रहे हैं इनके आजकल। नहीं तो मुझे ही बोल रहे थे कि पहले तो मुझे बोलते थे ये कि आप इतनी शॉपिंग करती हो, आपकी ही शॉपिंग घर में सबसे ज़्यादा रहती है। मैं मानती हूँ कि मेरी शॉपिंग सबसे ज़्यादा रहती है घर में, बट आजकल तो बाप रे ये इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा घर में पार्सल आ रहे हैं तो इनकी ही आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए। अभी पता नहीं हमारी गाड़ी मर्सिडीज बनने वाली है। गाड़ी को मर्सिडीज बनाने वाले हैं ये, बहुत अच्छी बन गई है लेकिन फिर भी है ना, बहुत अच्छी। ये नकली हंसना इसका? नहीं, नकली नहीं, असली। असली है ये? हाँ। असली हंसना है आपका ये? हाँ। खा लो खा लो। मुझे 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 खा लो। अरे अरे अरे, मम्मा को खाने देता मैं। खाने देता? अरे अच्छा, हिंदी को पहचान। दो। बस गाइस, अभी उठी हूँ सो के और यहाँ पर बना रही हूँ चाय। देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। और ना थोड़ी देर भी नींद पूरी होती है ना, मतलब दोपहर में थोड़ी देर भी सोने के लिए मिलता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं तो मैं सोने के लिए गई, तुरंत तद्विक आया और वहां पर जितना जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इनको मैंने बोला थोड़ी देर संभाल लो, क्योंकि मेरी आप लोगों को पता ही है रात को नींद पूरी नहीं होती, इसी वजह से। तो मुझे थोड़ी देर अगर सोने के लिए मिल जाए ना दोपहर को तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिन भर भी अभी मैं उठी हुई तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ चाय। चाय पी लूंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। और हाँ, किसी ने मुझे ये पूछा था कि ये क्या है, क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो है ये विंडो है गाइस, मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये विंडो है, और विंडो पे हमने ना ग्लास लगवाया है, मतलब ग्लास मीन्स आप बोल सकते हो ग्लास का क्या बोलते हैं, मिरर टाइप का ग्लास है वो। वो जो ग्लास है वो मिरर ग्लास है, और उसके ना मतलब बाहर वालों को अंदर का, रात को बाहर वालों को अंदर का दिखता है
और दिन में बाहर वालों का अंदर का नहीं दिखता है, तो इस टाइप के वो ग्लासेस है, और अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा पूरा रात को फेस भी दिख जाएगा इसमें, तो इस वजह से आपको बहुत बार दिखता होगा कि मैं यहाँ पर अगर वीडियो बनाते तो मेरा फेस पूरा दिख जाता है इसमें, और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अंदर का पूरा जो व्यू है वो पूरा इस ग्लास में दिख जाता है रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे हमें बाहर का दिखता है बट बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखता है। तो बाहर से ग्लास दिखता है ये, जैसे मिरर ग्लास बाहर से दिखता है दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे अंदर से दिखता है मिरर ग्लास, तो इस टाइप के ये ग्लासेस है। कोई मैंने मिरर वगैरह नहीं लगाया है यहाँ पे, तो किसी को मतलब किसी ने कमेंट की थी, याद नहीं है मुझे नाम, बट उनको लगा था कि यहाँ पर ग्लास वगैरह लगाया है, कुछ लगाया है क्या है, तो उनको देखना था ये। तो ये है विंडो यहाँ पे, और बहुत बड़ी सी विंडो है, तो एक्चुअली ना यहाँ पे विंडो गलती से लगाई गई है। अगर आप चिमनी लगवाते हो तो विंडो की जरूरत नहीं है, बट विंडो रखी थी क्योंकि शो के लिए जो एलिवेशन है इसका, मतलब उसमें अच्छी दिखती है यहाँ पर विंडो, मतलब जो आगे से अगर आप देखते हो, तो इसी वजह से यहाँ पर रखी गई है विंडो, तो जाने दीजिए अच्छा लगता है, बाहर से भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम लोगों ने चिमनी लगवा ली है बाद में। और हाँ, ये जो चिमनी की कंपनी है वो भी पूछी थी चिमनी कौन से ब्रांड की है, तो ये है टर्बो एयर की, आई थिंक इसका जो ब्रांड है एलिका, हाँ सॉरी एलिका की है, बट ये जो एलिका में जो ब्रांड रहता है, एलिका की चिमनी अच्छी रहती है बोलते हैं ना, तो एलिका में ही जैसे कोई ब्रांड में अलग अलग वो होता है ना, क्या बोलते हैं, तो उसे मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये टर्बो एयर की है, एलिका की है बट टर्बो एयर इस पे लिखा हुआ है, तो ये चिमनी ली है हमने। बट ना इसमें ये कोई चिमनी वॉइस फ्री होती है, कुछ चिमनी में वॉइस आता है, तो इसमें थोड़ा सा वॉइस आता है, ये वॉइस फ्री नहीं है, मतलब साइलेंट वाली चिमनी नहीं है, थोड़ा सा वॉइस आता है इसमें, तो ये वाली चिमनी है। और अभी चाय ले लेती हूँ मैं, काफी सारी बातें होगी आपसे, तो चलिए जल्दी से चाय ले लेती हूँ मैं, और उसके बाद मुझे बनाना है डिनर भी, क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ और थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था, तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी, तो डिनर में क्या बनने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में। गाइस, किसी ने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बारे में मुझसे पूछा था कि इसका यूज क्या है और इसे मतलब यूज करना अच्छा होता है क्या, तो जी हाँ गाइस, मैं ये डीमार्ट से लेके आई थी, उस दिन दिखाया था मैंने आपको डीमार्ट से जब लेके आई थी, ये मैं 59 रुपीज में ये लेके आई हूँ, तो काफी सारे है, 4 कलर के लाए हैं मैंने, तो ये वाले लेके आए थे, तो इसका जो यूज है वो काफी ज्यादा है, मतलब काफी अच्छे होते हैं यूज करने में, और आप इसे ये जो गैस का स्लैब है इसे भी क्लीन कर सकते हो, गैस भी क्लीन कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे निकलते हैं, मतलब गैस अगर आप क्लीन करते हो तो पूरा चमक जाएगा आपका गैस, और स्लैब भी अगर आप इससे क्लीन करते हो ना, अगर आपका स्लैब इस तरह से है मेरे जैसा ब्लैक, तो जेड ब्लैक है, तो बहुत ही चमक जाएगा उससे तो, और ये पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पानी के दाग दिखते हैं गैस के स्लैब पे या गैस पे अगर आप क्लीन करते हो तो इससे नहीं दिखेंगे वो, क्योंकि ये एक बार में ही पानी को पूरा सोख कर लेता है, और इससे आप काफी सारा यूज है इसका, अगर आप इसे क्या बोलते हैं, तो जो बर्तन क्लीन किए होते हैं वो अगर आपको क्लीन कर मतलब इससे पोछ के रखने हैं तो वो भी आप इससे पोछ के रख सकते हो, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, गाड़ी के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, गाड़ी का जो ग्लास है वो भी आप इससे क्लीन कर सकते हो, और इसको जो क्लीन करना है वो भी बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे आप मशीन वॉश भी कर सकते हो इसको, और आप हैंड वॉश भी कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे आप थोड़ी देर सर्फ में भिगोने के लिए रख दीजिए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके वॉश कर लीजिए, जल्दी से इसका जो पूरा गंदगी है वो पूरी निकल जाएगी और जल्दी गंदा नहीं दिखता है, इस तरह के अगर आप थोड़े से डार्क कलर लेते हो तो गंदे भी नहीं दिखते हैं, अगर आप कोई भी कपड़ा वगैरह यूज करते हो अपने टाइल्स के लिए या कुछ भी टाइल्स के लिए बोल रही हो अपने स्लैब के लिए या गैस के लिए, तो वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से इस तरह के अगर क्लॉथ्स आप रखते हो किचन में तो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, तो इस तरह के क्लॉथ्स आप भी लेके आइए, ज्यादा महंगे नहीं है, 59 रुपीज के ही, मतलब 59 रुपीज का ही मुझे इतना बड़ा मिला है, एक अगर छोटा सा अगर आप इस तरह का हैंकी लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में मिल जाएगा, तो बस यही बताना था आपको,
क्योंकि काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था और एक ने तो इसके यूजर्स भी पूछे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज के वीडियो में आपको बता ही देती हूँ क्या क्या यूजर्स है इसके। गाइज आजकल ना मैं ये वाला ऑयल इनके लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनके जो बाल है वो काफ़ी झड़ चुके हैं, मतलब काफ़ी पतले हो चुके हैं और काफ़ी झड़ चुके हैं, क्योंकि इनकी ना पोस्टिंग वगैरह काफ़ी अलग अलग जगह पे आई थी। आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया था कि आर्मी में थे तो उस टाइम इनके अलग अलग जगह पर पोस्टिंग थी, तो कैसा होता है कि अलग अलग जगह पानी और वो सूट नहीं होता है बालों को, तो स्पेशली बालों के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बालों की। और उल्टा मतलब दूसरी बात यह है कि उनको एनी टाइम कैप पहन के रखना पड़ता था, तो इसी वजह से उनके ना बाल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर झड़ चुके हैं, तो बहुत पतले हो चुके हैं। तो इसी वजह से मैं ये वाला ऑयल इनके लिए यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका दिख रहा है मुझे। मैं श्रीकांत को भी बता रही थी कि ये जो ऑयल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब इनके लिए उनको उसको पता नहीं था एक्चुअली मैं इनके लिए यूज़ कर रही हूँ करके। ये तो इस तरह से थोड़ी देर मसाज कर देती हूँ मैं उन्हें, और ये वाला ऑयल जो है वो मतलब ग्रोथ होने में भी आपकी हेल्प करता है, मतलब बालों की ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है, और काफ़ी अच्छा है बाल झड़ने में भी, मतलब बाल झड़ना भी रोकता है, डैंड्रफ भी कम करता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो रिव्यू है, अगर आपको सेपरेट रिव्यू चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है ये वाला ऑयल। तो आपको अगर सेपरेट रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो रिव्यू आपके लिए। और मतलब मैं चाहती हूँ कि आप जो मैं रिज़ल्ट देख रही हूँ वो रिज़ल्ट आपको भी मिले, तो इसी वजह से आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको भी इसकी शिकायत हो, मतलब बाल झड़ने की वगैरह, और आपको भी ऐसा कुछ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू, फुल रिव्यू। सो गाइज यहाँ पर बन रहा है डिनर के लिए सब्जी में भरवा बैगन, तो उसके लिए मैंने मूंगफली जो है भून ली है, उसका पाउडर बना लिया है, और वही पाउडर मैं एक प्लेट में डाल दूंगी। उसमें हमें चॉप मतलब एकदम फाइन चॉप किया हुआ प्याज चाहिए होगा, तो वो मैं यहाँ पर चॉपर में चॉप कर लूँगी, क्योंकि हाथों से तो इतना ज़्यादा फाइन चॉप मतलब चॉप नहीं होता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर चॉपर में प्याज चॉप कर ले रही हूँ और वही मैं उसमें ऐड करूँगी। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है कांदा लहसुन मसाला। आपके साइड में पता नहीं ये मिलता है या नहीं मिलता है, बट हमारे साइड में मिलता है, तो ये कांदा लहसुन मसाला हमें ऐड करना है उसमें। अगर आपके साइड में नहीं मिलता है कांदा लहसुन मसाला तो आप लहसुन अदरक की पेस्ट उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है गाइज़, हाँ, क्योंकि ये जो मिक्सचर है इसमें पानी अगर आप ऐड करोगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसी वजह से इसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने प्याज मिलाया है और नमक मिलाया है, तो नमक मिलाने के बाद ना प्याज अपने आप पानी छोड़ने लगता है, तो इसी वजह से ये जो मिक्सचर है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा, तो इस वजह से आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है बस, और उसके बाद आपको इसमें बैगन में इसे भर लेना है। तो इस तरह से आपको चार कट कर मतलब दो कट लगाने हैं इसको बैगन को, और इस तरह से उसमें आपको ये स्टफिंग भर लेनी है, जो मसाला हमने तैयार किया है वो मसाला हमें भर लेना है, अच्छे से मसाला भर लेना है और उसको मतलब बंद कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे बैगन मतलब जितने भी हम बैगन यूज़ करने वाले हैं तो उतने बैगन में हमें ये मसाला ऐड कर देना है। थोड़ा सा आप मसाले में तेल भी ऐड कर सकते हो थोड़े सा, बट तेल की ज़रूरत नहीं लगी मुझे तो इसी वजह से मैंने नहीं ऐड किया। और आपको बैगन ना थोड़े से हरे वाले बैगन अगर आपके मतलब साइड में मिलते हो तो अच्छा, ये बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में हरे वाले बैगन इस तरह से। और थोड़े से कड़क बैगन लेना, मतलब नरम बैगन नहीं चाहिए होगी इसके लिए, थोड़े से कड़क बैगन चाहिए होगे, और ग्रीन वाले तो नहीं भी मिले तो भी चलेगा, बट ग्रीन वाले काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टफ बैगन रेडी है, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, और वो जो डिस्पेंसर है वो ऑयल डिस्पेंसर, तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि वो कहाँ से लिया है, तो वो मैंने डीमार्ट से लिया है, मेरे यहाँ के काफ़ी सारी चीज़ें डीमार्ट से ही होती है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म
गर्म हो जाने के बाद मैंने ऐड किया है राई और जीरा उसमें, और उसमें ऐड किया है मैंने हल्दी थोड़ा सा, और उसमें जो अपना मसाला है वो ऐड कर दिया है, और उसे अच्छे से चला लूँगी, मतलब अच्छे से मसाला जो है वो भून जाने तक चला लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर आपको एक चम्मच ऐड कर देना है उसमें, और अच्छे से वो मसाला भुन जाए तब तक चला लेना है आपको मतलब इसमें। और थोड़ा सा अगर आपको तीखा कम लगे, मतलब तीखा आपने अगर कम डाला हो पहले वाले मसाले में, थोड़ा सा आप तीखा वो क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिएगा अगर आपने तीखा कम डाला हो तो, और अगर आपको उतना ही तीखा चाहिए होगा तो आप ऐड नहीं करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर पानी साइड में गरम कर रही हूँ मैं, ताकि हमें जो ग्रेवी है उसके लिए पानी लगेगा, तो यहाँ पर साइड में पानी गरम हो रहा है, तब तक मेरा मसाला भी भून रहा है। मसाला भून जाने के बाद यहाँ पर मैं गरम मसाला उसमें ऊपर से ऐड करूँगी, और उसमें जो गरम किया हुआ पानी है वो फिर थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगी, मतलब थोड़ा सा ही हमें ऐड करना है, ताकि जो ग्रेवी है वो मतलब जो मसाला है थोड़ा सा गाढ़ा ही बने, तब हमें उसमें जो बैंगन है वो ऐड कर देने हैं बाद में। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए मतलब, और फिर उसके बाद मैं उसमें बैंगन ऐड कर दूंगी, और हमें मसाले में ही जो है वो बैंगन पकाने हैं, तो आपको जो मसाला है उसकी कंसिस्टेंसी मतलब जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो इस तरह से, मतलब पहले होनी चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा सा बार बार हम लोग पलट लेंगे उसे, थोड़ी देर में हम लोग चेक करते रहेंगे और पलटाते रहेंगे ताकि इवनली वो कुक होते हैं, जो बैंगन है हमारे इवनली कुक होते रहे, मतलब एक साइड से अगर हो जाए तो उसके बाद हमें दूसरी साइड से पलट लेना है उसे। तो इस तरह से मैं सारे बैगन को पलट लूँगी, और उसके बाद जो पानी बचा हुआ है हमारा वो भी उसमें ऐड कर दूँगी। आपको ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है, मतलब आपको पतली ग्रेवी चाहिए या गाढ़ी ग्रेवी, थोड़ी सी मुझे गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, इसी वजह से मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करती हूँ। तो अगर गाढ़ी ग्रेवी रखते हो तो अच्छा लगता है, मतलब भरवा बैगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा जीरा राइस भी रेडी हो चुका था, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा खिला खिला सा बना है। और पिछले बार ना एक्चुअली मुझसे ही गलती हो गई थी, पिछले बार जब राइस बनाया था तो थोड़ा सा चिपक गया था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा चिपक गया था, वो राइस कि वो है मतलब राइस का फॉल्ट है। एक्चुअली ना क्या हुआ था कि हम लोग डीमार्ट गए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप राइस ले लो, तो इनको पता नहीं था एक्चुअली कि मैं कौन सा राइस लेती हूँ, तो इसी वजह से इन्होंने अलग राइस ले लिया था, और वो ना सादे कुकर में भी बहुत ज़्यादा चिपकता था, और ये वाले कुकर में भी राइस कुकर में भी चिपकता ही था। तो अभी ना ये वाला चावल लेके आया है, मतलब जो हम हमेशा खाते हैं वो वाला लेके आया है, तो वो ये देखिए कितना ज़्यादा खिला खिला सा बन गया है, और बिल्कुल अच्छा मतलब टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी। तो जैसे राइस खिला सा बन जाता है ना तो काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है उसकी, तो मेरी गलती थी, मैंने इनको बोला था, तो अभी मुझे समझ में आ गया है कि जिसका काम उसी ने करना चाहिए, तो गलती तो मेरी ही थी। तो अब हम लोग डीमार्ट गए थे तो सही वाला राइस लेके आया है, और अभी देखिए कितना ज़्यादा खिला खिला सा बना है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी है। सो गाइस खाना वगैरह हो चुका है, और जो सब्जी जो बनाई थी मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। और हाँ, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, तो टाइम आ गया है इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।